हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला राष्ट्रीय स्तर का ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला एवं लोक नृत्य समारोह का आयोजन इस वर्ष 11 से 20 मार्च के बीच दरमियान किया जा रहा है। पूरे देश में प्रसिद्ध इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों के लोक एवं आदिवासी नृत्यों की प्रस्तुति, हस्तशिल्प एवं स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रदर्शनी तथा विक्री होती है। बहुप्रतीक्षित 28वें ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला एवं लोक नृत्य समारोह का उद्घाटन आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हस्ते होगा। यह समारोह नागपुर तथा आसपास के दर्शकों का अत्यंत प्रिय समारोह है। इस वर्ष समारोह में केंद्र परिसर में पारंपरिक लोक कलाकारों द्वारा आकर्षक सजावट की जा रही है। साथ ही स्टॉल की रचना में भी थोड़ा परिवर्तन कर उसे आकर्षक एवं सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस समारोह में 11 से 20 मार्च 2022 के दौरान हर रोज दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक हस्तशिल्प मेले में नागरिकों को प्रवेश दिया जाएगा। लोक नृत्यों की बहारदार प्रस्तुति मुख्य मंच पर शाम 6:30 बजे से प्रारंभ होगी। इसके अलावा हस्तशिल्प मेले में भी लगभग 150 हस्तशिल्पकार सहभागी होंगे। पावन भूमि लेआउट परिसर के पावन स्थान यानी महादेव मंदिर प्रांगण में लॉयंस क्लब ऑफ नागपुर एवं लॉयंस क्लब ऑफ नागपुर क्लासिक के संयुक्त तत्वावधान में एक रक्तदान शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। लाइफलाइन ब्लड बैंक द्वारा संपन्न इस शिविर के उद्घाटन समारोह में डॉक्टर आशीष खंडेलवाल तथा डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में जोन चेयरपर्सन लॉयन प्रिया ढोक, विशेष अतिथि लॉयन अरुण कुलकर्णी तथा क्लासिक क्लब के अध्यक्ष लॉयन जयंत हरडे उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लॉयन समेज के प्रेसिडेंट संजय पाठक ने की। कार्यक्रम का संचालन कवि लॉयन अविनाश बागड़े ने किया। मान्यवरों का आभार क्लासिक क्लब के सचिव लॉयन मंगेश ढोक ने माना। इस अवसर पर कर्मठ एवं विविध क्षेत्रों में उत्तीर्ण रही महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिनमें लॉयन सदस्य अश्विनी जिचकार, दर्शना अड़गावकर, लता ठाकरे, मोनाली लोनकर, कीर्ति कालसर्पे, वंदना नाखले, डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, सुमिता कोणबत्तुनवार, हरडे, सुप्रिया ढोबड़े तथा ब्लड बैंक के सभी महिला कर्मचारियों का समावेश था। भारतीय थल सेना के सेवानिवृत्त कर्नल आरवी सिंह भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस आयोजन के सफलतार्थ लॉयन सदस्यगण अड़गावकर, कालसर्पे, मनोज खेरडे, राजू नाखले, निखिल जिचकार, शिशुपाल आदि ने अथक प्रयास किए। महिला दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोनल मुख्यालय सहित तीनों रेल मंडलों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी प्रकार NEI में रेल सुरक्षा बल द्वारा अनेक कार्यक्रम सहित भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आलोक कुमार महाप्रबंधक, डॉक्टर वनिता जैन सहित सभी विभागाध्यक्ष बड़ी संख्या में RPF महिला कर्मचारीगण उपस्थित थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय सहित तीनों मंडलों में 6 मार्च को भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका विषय था नारी सशक्तिकरण में रेल सुरक्षा बल की भूमिका और उपलब्धियां। इसके अलावा प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त RPF द्वारा सुबह 10 बजे महिला RPF अधिकारियों व बल सदस्यों का सुरक्षा सम्मेलन लिया गया, जिसमें 70 महिला RPF अधिकारियों व बल सदस्यों ने भाग लिया। इसमें कुछ ने अपने कार्य अनुभवों को शेयर किया और कुछ अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने RPF के माध्यम से रेल यात्रियों के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण सेवा कार्यों और पहलों की जानकारी दी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय में महाप्रबंधक आलोक कुमार द्वारा 31 महिलाओं कर्मचारियों को विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी तृतीय कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र हेटेरो हेल्थ केयर लिमिटेड के सहयोग से नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता है। इस अवसर पर डॉक्टर माधुरी गावंडे, कंसल्टेंट RST RCH ने सर्विक्स कैंसर पर व्याख्यान दिया और दर्शकों से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में निवारक उपाय के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। डॉक्टर माधुरी गावंडे ने कहा कि RSTCH में उपलब्ध HPV वैक्सीन से सर्विक्स कैंसर को रोका जा सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत उद्घाटन समारोह के साथ हुई और उसके बाद डॉक्टर करतार सिंह निदेशक RSTCH द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। इस आयोजन में लगभग 15 कैंसर सर्वाइवर को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए और RST कैंसर अस्पताल में प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इन कैंसर सर्वाइवर्स को उनके साहस और समाज के लिए प्रेरणा बनने के लिए सुविधा प्रदान की गई। CRS के उपाध्यक्ष अशोक कृपलानी ने CRS समाज द्वारा बनाए गई रखी विरासत के बारे में बात की, जो RST RCH में रोगी को सेवाएं प्रदान करते समय नैतिक प्रथाओं का पालन करती है। हाल ही में गांधी सागर के तट पर स्थित इष्टदेव झूलेलाल मंदिर में
सारस्वत सिंध ब्राह्मण मंडल के पदाधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित की गई। समस्त ब्राह्मणों ने प्रदीर्घ विचार विमर्श के पश्चात वर्ष 2022-23 की तिथियां निर्धारित की गई। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष पंडित ताराचंद पुरोहित, उपाध्यक्ष पंडित मुरलीधर शर्मा, पंडित सुनील शर्मा, महासचिव पंडित राजू महाराज शर्मा, सलाहकार पंडित महेश कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष पंडित भूपेंद्र जोशी, संपर्क प्रमुख पंडित हरीश शर्मा, पंडित प्रकाश महाराज शर्मा, पंडित दीपक हासानंद शर्मा, पंडित विजय शर्मा, ऑनलाइन समाचार पत्र के संस्थापक संपादक उमेश यादव प्रमुखता से उपस्थित थे। मंदिर के महंत मोहनदास ठाकुर ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस बार सिंधी समाज का नववर्ष 2 अप्रैल को प्रारंभ होगा। सिंधी समाज बंधु इस महापर्व को संपूर्ण आस्था व हर्षोल्लास से मनाते हैं। सिंधी समाज के इष्टदेव वरुण अवतार झूलेलाल की विशिष्ट पूजा अर्चना की जाती है। नागपुर में सिंधी झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रतिवर्ष भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है, जिसमें आसपास के शहरों के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। नवनीत नगर बुद्ध विहार वाड़ी के निकट वी फॉर चेंज फाउंडेशन के युवा पदाधिकारियों द्वारा महिला दिवस पर महिलाओं का सत्कार व कानून विषयक मार्गदर्शन का आयोजन किया गया था। सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर एडवोकेट प्रीति साखरे व वाड़ी पुलिस निरीक्षक ललिता तोड़ासे द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात नन्ही बालिकाओं ने सामाजिक संदेश देने वाले नृत्यों को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर एडवोकेट साखरे ने महिलाओं के संविधान में सुरक्षा विषयक अधिकार के संदर्भ में जानकारी देकर महिलाओं से सक्षम व जागरूक बनने का आग्रह किया। पुलिस निरीक्षक ललिता तोड़ासे ने कहा कि बदलते स्थिति के अनुसार पालकगण अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, मित्र बनकर उनका सहयोग करें, किसी भी स्थिति में पुलिस से बिना हिचकिचाए सहयोग लें। विशेष मार्गदर्शक उमेश भंडारकर ने भी विविध विषयों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के आयोजक व संस्था के प्रमुख विनीत गजभिये ने प्रास्ताविक भाषण दिया। संस्था की ओर से निखिल गिरिपुंजे, सृष्टि वाटकर, दिशिका गानर, संचय बाठे, हर्षल देशमुख, गुंजन सिंह, अन्वय पाटिल, श्रवण गजभिये, मानसी मेश्राम, विधि नागोसे, सुजल बांदीवार, आर्यन शिरसार, मंथन वैद्य, आदित्य घोटे, साहिल अड़सर, अनुष्का गुंडाने, जानवी मसराम आदि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किए। अतेली अग्रवाल महिला संस्था द्वारा अग्रसेन भवन रविनगर में आयोजित 5 दिवसीय हनुमान कथा में गुरुवार सुबह गणेश पूजन अनिल सुमेधा चौधरी द्वारा किया गया। हनुमान चालीसा को ध्यान में रखकर पंडित सीताराम शास्त्री ने प्रवचन के चौथे दिन अपने ज्ञान की गंगा बहाकर भक्तों को सराबोर कर दिया। महाराज ने अपनी अमृतवाणी में कहा कि हनुमान जी का पावन चरित्र चिंतन आनंददायक एवं जीवन पथ को अलौकिक करने वाला है। उन्होंने कहा कि दरअसल हनुमान जी भक्त भी है और भगवान भी है। राम नाम की बूंदे हमारे मन मस्तिष्क में आकर मोती बन जाती है। सुबह के धार्मिक सत्र में सुंदरकांड का अर्थ समझाया गया। व्यासपीठ के पूजन में मुख्य रूप से अग्रसेन मंडल अध्यक्ष उर्मिला गौरीशंकर अग्रवाल एवं कविता संजय अग्रवाल उपस्थित थी। गुरुवार को हुए कार्यक्रम में प्रमुख संयोजक सुमेधा चौधरी एवं सहसंयोजक रजनी अग्रवाल, शीतल अग्रवाल एवं शुभा अग्रवाल ने कार्यभार संभाला। हनुमान कथा के दौरान विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए हैं। कथा समापन पहले ठाकुर जी के साथ फूलों की होली का आयोजन होगा। कथा का समय दोपहर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक रखा है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से प्रवचन का लाभ लेने की अपील की है। रेलवे ने ट्रेन नंबर 22175, 22176 नागपुर जयपुर नागपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को बहाल करने का निर्णय लिया है। ट्रेन का विवरण इस प्रकार है। 22175 नागपुर जयपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस नागपुर से 7 अप्रैल 2022 से प्रत्येक गुरुवार को अगले आदेश तक सुबह 10:35 बजे छूटेगी और अगले दिन 10:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। 22176 जयपुर नागपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 8 अप्रैल 2022 से अगले आदेश तक प्रत्येक शुक्रवार को जयपुर से 17:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 16:50 बजे नागपुर पहुंचेगी। पांडुर्ना, मुल्ताई, बैतूल, इटारसी, रानी कमलापति, भोपाल, सीहोर, शुजालपुर, बेरचा, उज्जैन जंक्शन, नागदा जंक्शन, रामगंज मंडी, कोटा, चंदेरिया, भीलवाड़ा, विजयनगर, नसीराबाद, अजमेर जंक्शन और किशनगढ़ में ठहराव रहेगा। 1 AC 2 टायर, 4 AC 3 टायर, 11 स्लीपर क्लास, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 लगेज कम गार्ड ब्रेक वैन की संरचना इस ट्रेन में रहेगी। नागपुर अहमदाबाद नागपुर साप्ताहिक से त्रिसाप्ताहिक आधार पर चलाया जाएगा। रेलवे ने ट्रेन संख्या 22137, 22138 नागपुर अहमदाबाद नागपुर एक्सप्रेस की बारंबारता को साप्ताहिक से बढ़ाकर त्रिसाप्ताहिक करने का भी निर्णय लिया है। विवरण इस प्रकार है। 22137 नागपुर अहमदाबाद नागपुर त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस को 10 अप्रैल 2022 से बुधवार, शनिवार और रविवार चला जाएगा। 22138 अहमदाबाद नागपुर त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस को 11 अप्रैल 2022 से गुरुवार, रविवार और सोमवार को चलाया जाएगा।
नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने गुरुवार को धर्मपेट जोन के अंतर्गत भगवागर लेआउट धर्मपेट में रिद्धि सिद्धि बिल्डर्स के खिलाफ सड़क के निकट बिल्डिंग मटेरियल डालने के कारण 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा टीम द्वारा लकड़गंज जोन के अंतर्गत गुलशन नगर स्थित मेशराम क्लिनिक में बायोमेडिकल कचरा सामान्य कचरे में डालने के कारण क्लिनिक प्रशासन से 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इस तरह उपद्रवी खोजी दल ने गुरुवार को दो प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की और उनसे 20,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में और NDS प्रमुख वीरसेन तांबे के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। नौकरी पेशा महिला कार्यालय कार्य की जिम्मेदारी पूरी संभालते हुए घर का काम बखूबी संभाल कर पति, बच्चे, सास ससुर की भी सेवा करती है। इसी तरह वो एक उत्कृष्ट मैनेजर की भी भूमिका निभाती है। इसी आशय के विचार लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के सत्कार समारोह में प्रमुख अतिथि पुलिस उपायुक्त नूरुल हसन ने व्यक्त किए। हसन ने आगे ये भी कहा कि पुलिस से डरो नहीं, हम आपके सेवा के लिए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता फेस्कॉम पूर्व विदर्भ विभाग के अध्यक्ष पवन राव वानखेड़े ने की। अध्यक्ष भाषण में उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। फेस्कॉम के कार्य से भी सभी मान्यवरों को अवगत कराया। इस अवसर पर हुडकेश्वर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक नेहते, रत्नाकर राउत एवं उद्धव राव वाटकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस सम्मेलन में सुलोचना मुहाड़ीकर, कल्पना घटाटे, रमा रामटेके, मुक्ता झोड़ापे, अलका पांडरे, पुष्पा भनारकर, छाया निनावे, कमल मोंढे आदि 25 ज्येष्ठ नागरिकों को मान्यवरों के हाथों शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कमला नेवारे एवं प्रभाकर सवालाखे को उनके विशेष उपलब्धियों को मद्देनजर रखते हुए सम्मानित किया गया। चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में कलमना मार्केट में भाजपा व्यापारी आघाड़ी की ओर से जश्न मनाया गया। व्यापारियों ने बड़े उत्साह के साथ आतिशबाजी की एवं महाप्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से भाजपा व्यापारी आघाड़ी अध्यक्ष संजय वाधवानी एवं महामंत्री अशोक शनिवारी उपस्थित थे। इसके अलावा इस जश्न में भाजपा व्यापारी आघाड़ी शहर संपर्क प्रमुख विश्व बंधु गुप्ता एवं आघाड़ी उपाध्यक्ष राजकुमार मोटवानी, विपुल शाह, सुरेश शाह के नेतृत्व में सभी बाजारों के व्यापारी, मिर्ची बाजार से पंकज तलवेकर, विक्की चावला, धान्य बाजार से नरेश सातपुते, भूषण क्षीरसागर, फ्रूट बाजार से प्रदीप मेनानी, संजय घोड़े, आलू प्याज बाजार से जयप्रकाश वासानी, धनराज मालखेड़े, मुन्ना नंदनवार, राजेश सोनकर, संजय सेलकर, राजकिशोर गुप्ता, चेतन समृत, हरीश उजवने, सोनू गौर, सचिन गौर, नाना भंडारकर, मोरेश्वर खानोरकर, रमेश सोनकुसरे, गज्जू सेठ कामगारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चार राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत से नागपुर शहर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। भाजपा के विविध सेल के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर जीत का जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांटी। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में भारी जीत के साथ बहुमत हासिल करने पर धारस्कर रोड व जरीपटका में बैंड बाजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया। अजय टक्का मोरे के नेतृत्व में धारस्कर रोड पर मिठाई बांट कर बधाई दी गई। मदन उपगड़े, रुपेश टक्का मोरे, किरीट भाई, सोनू जैन, हितेश जैन, लोकेश टक्का मोरे, पीयूष जरीवाला, महादेव ताबूत वाले, देवानंद चौरीवार, भावेश जरीवाला, रमेश गिदवानी, विपिन सारडा, कमल रघोले, नितिन खापरे, राहुल सिसोदिया, अमित जैन व धारस्कर रोड के सभी व्यापारीगण उपस्थित थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत की खुशी में नागपुर स्थित
आम आदमी पार्टी कार्यालय में मिठाइयां बांटकर ढोल ताशों की ध्वनि के बीच जश्न मनाया गया। इसके पश्चात स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विजय रैली निकाली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए रैली में हिस्सा लिया। रैली का नेतृत्व विदर्भ समन्वयक देवेंद्र वानखेड़े और राज्य कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह ने किया। इस अवसर पर राज्य सह सचिव अशोक मिश्रा, राष्ट्रीय परिषद सदस्य अमृत सावरकर, नागपुर संयोजिका कविता सिंघल, नागपुर संगठन मंत्री शंकर इंगोले, नागपुर सचिव भूषण ढाकुलकर, नागपुर उपाध्यक्ष राकेश उराडे, डॉक्टर शाहिद अली जाफरी, एडवोकेट राजेश भोयर, विदर्भ सह सचिव जितेंद्र मुटकुरे, युवा राज्य समिति सदस्य कृतल आकरे, विदर्भ युवा संयोजक पीयूष आकरे, विधानसभा संयोजक अजय धर्मे, लक्ष्मीकांत दांडेकर, रोशन डोंगरे, नामदेव कामली, आकाश कावले आदि उपस्थित थे। एक महिला को जो रचनात्मक शक्ति मिली है वो दरअसल प्रकृति की देन है। उद्यमी महिलाओं को मातृत्व के पहलू का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके करियर में व्यस्त रहते समय परिवार की उपेक्षा न हो। इस आशय के विचार राष्ट्र सेविका समिति के पूर्व संचालक प्रमिला मेंढे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में व्यक्त किए। महिला दिवस के अवसर पर गायत्री महिला औद्योगिक सहकारी समिति, गायत्री महिला नागरी पत संस्था, स्वयंपूर्णा बहुउद्देशीय संस्था, स्वयंपूर्णा निर्माण एवं अनुसंधान संघ एवं आम्ही उद्योगिनी द्वारा संस्था के वस्ती गृह में एक विशेष सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता भावना मनावत ने की। इस अवसर पर प्रभावती एकुरके और दिव्यांग खिलाड़ी प्रतिमा बोंडे को उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने सम्मानित किया। एकुरके ने आत्महत्या की कोशिश कर रही दो लड़कियों के मन परिवर्तित कर उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने की एक नई दिशा दिखाई। इसी प्रकार प्रतिमा बोंडे ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसके चलते देश का नाम रोशन हुआ है। कार्यक्रम की प्रस्तावना सोसाइटी के अध्यक्ष कंचन गडकरी ने रखी, जबकि स्नेहल दाते ने कार्यक्रम का संचालन किया। राखी जामदार ने गीत प्रस्तुत किए और शीतल बंसोड़ ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। जीएच रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी शिवम जोशी ने हाल ही में दुबई में आयोजित एक एक्सपो में सफलता हासिल कर सिर्फ महाविद्यालय या शहर का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। दरअसल ESA नए उभरते युवा वैज्ञानिकों को अपनी रचनाएं और अवधारणाएं दिखाने के लिए एक मंच उपलब्ध करता है। शिवम जोशी को उनके बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें प्रतियोगिता का सर्वोत्कृष्ट वक्ता भी घोषित किया गया। इसी के साथ वे नासा के यंग सिटीजन कॉन्फ्रेंस के सदस्य भी बन गए हैं तथा अवर फ्यूचर इन स्पेस के महत्वाकांक्षी योजना से भी जुड़ गए हैं। इस प्रतियोगिता में 35 से अधिक देशों के छात्रों ने भाग लिया तथा भारत का प्रतिनिधित्व शिवम जोशी ने किया। शिवम जोशी इस सफलता पर रायसोनी समूह के अध्यक्ष सुनील रायसोनी, GHRIT के निदेशक डॉक्टर विवेक कपूर तथा प्रोफेसर अनुपम चौबे का आभार माना। लोढ़ा फाउंडेशन मुंबई की ओर से स्वर्गीय प्रभाकर राव दटके स्मृति सेवा संस्था को फाउंडेशन के अभय लोढ़ा के हाथों एम्बुलेंस भेंट की गई। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष राउत, डॉक्टर राजेश मुरकुटे, सदस्य राजेश कन्हेरे, हरीश महाजन, विवेक धाकरस, सुबोध आचार्य, कमलेश नायक, उमेश वारजुरकर, प्रफुल वानखेड़े, मनोज मिराशी, प्रफुल नाइक, धीरज चौहान, चंदू निपाणे, अनिल खापेकर, सनी दावदेरिया, जितेश पटेल, सचिन दलवी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। हाल ही में वैशाली नगर के डॉक्टर आम्बेडकर गार्डन में सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष दीपक येवले ने महिला सशक्तिकरण विषय पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पतंजलि का उपक्रम 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की सर्टिफिकेट साधकों को दी गई। इस अवसर पर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के महामंत्री दीपक जरगर, संवाद प्रभारी रितु जरगर, कोषाध्यक्ष राम आगाशे, युवा प्रभारी देवीदास ठाकुर, सुभाष कुलश्रेष्ठ, मीना कुलश्रेष्ठ, मदन सांगोड़े, महादेव शिंदे, चिंतामण राउत और नागपुर शहर के योग प्रचारक सूर्यकांत बारापात्र उपस्थित थे। BGS गर्ल्स हाई स्कूल में प्राचार्य चित्रा दौलतानी की अध्यक्षता में और शाला की कार्यकारिणी मंडल के सक्रिय सदस्य उषा दानी के मार्गदर्शन में श्री ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुए धार्मिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री ब्रह्मा कुमारी नीलिमा बहन उपस्थित थी। उन्होंने नारी शक्ति को अध्यात्म से जुड़ने के लिए प्रेरित किया तथा स्वयं पर काबू कर अपनी शक्तियों द्वारा जीवन का संचालन करने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही ईश्वर का ध्यान किस प्रकार किया जाता है इस विषय पर भी प्रकाश डाला।
उषा दानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि जिस प्रकार से हम परिवार के लिए समय निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें स्वयं के लिए भी समय निकालना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता चित्रा दौलतानी ने की। उन्होंने ये संदेश दिया कि महिलाओं को सदैव जागरूक होकर कार्य करना चाहिए और यदि जीवन में इन प्रवचनों का कुछ अंश भी हमने अपना लिया तो यकीनन जगत का उद्धार निश्चित है। इस कार्यक्रम में कमल अडानी, शाला की पर्यवेक्षिका पद्मजा कुंभलकर और शिक्षिका हीना गिड़वानी मुख्य रूप से उपस्थित थे। महावितरण ने बिजली बिल दुरुस्ती सहित बिजली उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों को हल करने के लिए नागपुर सर्कल के नागपुर और वर्धा जिले में अभियान शुरू किया है। इस पहल के लिए ग्राहकों ने महावितरण प्रशासन का आभार माना है। महावितरण की ओर से उपविभाग स्तर पर 31 मार्च 2022 तक उपभोक्ता मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में ग्राहक ने स्वीकृत लोड मीटर रीडिंग, एरियर आदि विषयों से संबंधित शिकायतें और प्रश्नों का निराकरण किया जा रहा है। साथ ही देयक की दुरुस्ती करने के बाद तुरंत ग्राहकों को जानकारी दी जाएगी। शुक्रवार को बुट्टीबोरी शहर वितरण केंद्र MIDC 1 खारांगणा उपविभाग, तरोड़ा, इतवारी, मौदा उपविभाग, खापरखेड़ा उपविभाग, उमरेड उपविभाग, MRS उपविभाग में उपभोक्ता मेलों का आयोजन किया गया। कार्यकारी अभियंता राहुल चित्तोड़े के मार्गदर्शन में बिना की उपविभाग के मेले में अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता प्रशांत भाजीपाले, सहायक अभियंता अब्दुल सलाम, सुमित वांड्रे, उच्च स्तर लिपिक पीरू सिंह राठौड़, डिप्टी सिग्नल के मेले में अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता परक फाटे, सहायक अभियंता परक मुपीड़वार, सुमित वांड्रे, उच्च स्तर लिपिक भारत घवघवे तथा इतवारी उपविभाग के मेले के सफलतार्थ अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता एवी तुपकर, सहायक अभियंता नितिन लगड़ेवार, सचिन जवादे व उच्च स्तर लिपिक शशिकांत माहुले ने ग्राहकों से संवाद साधकर उनकी शंकाओं को दूर किया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।